नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉइंट ऑफ सेल के बारे में। तो पॉइंट ऑफ सेल एक्चुअल में होता क्या है, पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूं। यहां पर आप देखेंगे हमने कुछ आइटम्स लिए हुए हैं, यानी कि ग्रोसरी का कुछ आइटम लिया हुआ है। जब भी आप किसी स्टोर या शॉप से कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो आपको तरह तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं। उसे हम किस तरह से अपने इनवॉइस के अंदर दिखाएंगे, उसी को पोस्ट इनवॉइस कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ हमारे पास कुछ ग्रोसरी के आइटम्स हैं और उन पर अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि अगर आप 5000 तक का गुड्स परचेज करते हैं ग्रोसरी आइटम में से, तो आपको यहाँ पर 500 रुपए का अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी ये जो आपको डिस्काउंट पर आइटम्स पे दिया जा रहा है उसे छोड़कर उसके अलावा आपको 500 रुपए का अलग से डिस्काउंट और दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो भी इनवॉइस हमारा तैयार किया जाता है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी पोस्ट इनवॉइस। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। मैं आपको टैली प्राइम में करके दिखाता हूं कि आप इस तरीके का इनवॉइस किस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। तो इसके लिए चले जाते हैं हम लोग अपनी टैली प्राइम के अंदर और यहां पर हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं पोस्ट के नाम से, यानी पॉइंट ऑफ सेल के नाम से। आप एंटर करके यहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर अगर आपको फर्दर डिटेल फिल करनी है तो आप अपनी फर्दर डिटेल फिल कर लीजिएगा। मैं इसको सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर दे रहा हूं। सेव करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यानी जो भी आपका इनवॉइस होगा उसके अंदर आप डिस्काउंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको यस करा दूंगा। यस कराने के बाद आपको सिंपल कंट्रोल ए कर देना है, यानी इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, यानी गेटवे ऑफ टैली पर हम लोग आ चुके हैं। अब हमें सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, आपको जाना है सीधे क्रिएट वाले ऑप्शन पे और यहाँ से आपको जाना है वाउचर टाइप के अंदर और यहाँ से आपको एक नया वाउचर क्रिएट करना होगा पोस्ट इनवॉइस के नाम से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं POS पोस्ट इनवॉइस और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद अब ये पोस्ट इनवॉइस होता गया है। तो ये बेसिकली हमारा एक तरीके का सेल होता है, तो इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट के और इसके बाद आपको सिंपल एंटर एंटर करके यहाँ से नीचे आ जाना है। अब आपको आना है इस वाले प्रिंटिंग वाले ऑप्शन पे। इस प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में सबसे पहले आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी जब भी किसी शॉप पे आप कोई भी बिल बनाओगे, बिल बनाने के बाद जैसे ही आप उसे सेव करने जाओगे तो सबसे पहले आपका जो बिल होगा वो प्रिंट करने के लिए आपसे नोटिफिकेशन मांगेगा। तो इसे हम यहाँ पर करा लेते हैं यस, क्योंकि इसकी जरूरत हमें शॉप पर होती है। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर यूज फॉर पोस्ट इनवॉइसिंग, क्या आप पोस्ट इनवॉइसिंग का यूज करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर इसको यस कराना होगा। यस करने के बाद आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन है मैसेज टू प्रिंट वन, यानी आप दो मैसेज यहां पर लिख सकते हैं अपने बिल के ऊपर, अपने इनवॉइस के ऊपर उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं थैंक्स फॉर परचेज और दूसरा मैसेज मैं लिखूंगा विजिट अगेन। तो यहां पर आप अपने हिसाब से जो भी मैसेज देना चाहें अपने कस्टमर को वो यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी आप यहां पर एक ऐसा टाइटल दे सकते हैं जो आपके हर एक इनवॉइस के अंदर प्रिंट होगा। तो यहां पर दे देते हैं हम एक्सेल स्टोर, तो ये मैं चाहता हूं हर एक इनवॉइस के ऊपर ये प्रिंट हो। इसके बाद नीचे आ जाइए। अब यहां पर आप देखेंगे सेट अल्टर डिक्लेरेशन, यानी कि ये डिक्लेरेशन होती क्या है, तो ये डिक्लेरेशन होती है आपने देखा होगा हर एक इनवॉइस के ऊपर एक डिक्लेरेशन होती है कि जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपने कोई गुड्स वहां से परचेस किया और उसका चेंज करने का टाइम पीरियड इतने दिन से इतने दिन तक है या इस टाइम से इस टाइम तक आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन आप अपने बिल के ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में यहाँ दे देंगे। यहाँ पर पहले से ही एक डिक्लेरेशन लिखी हुई है, आप इसे चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम इसे यही रहने देंगे, हम सिंपल इसे एंटर करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद इसको एंटर करके आपको सिंपल सेव कर देना है। तो हमारा पहला काम हो चुका है, हम पोस्ट वाउचर तैयार कर चुके हैं। अब हमें स्कैप करके पीछे आ जाना है, बाकी के हमें लेजर्स भी तैयार करने हैं, स्टॉक आइटम्स भी तैयार करने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑन द स्पॉट डायरेक्टली बताऊंगा कि आप डायरेक्ट किस तरीके से इसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये ज्यादा इजी होता है आपका। अगर कोई भी अगर आप एंट्री पास कर रहे हैं तो उस एंट्री के अंदर अगर आप डायरेक्ट वहां पर लेजर क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। तो मुझे ये ऑप्शन ज्यादा बेटर लगता है, तो इसलिए मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा। तो यहां पर हम चले जाते हैं सीधे वाउचर्स के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद अब यहां पर हमें पार्टी नेम मांग रहा है, तो पार्टी नेम हमारा कौन है, यानी हम किस पार्टी को गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो हम यहां पर चले जाते हैं ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं किसी पार्टी के नाम का। तो हम पार्टी का नाम ले लेते हैं जैसे आदित्य। आदित्य एक पार्टी है हमारी जिसको मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं, इसे डाल दूंगा अंडर ऑफ सेंडरी डेबिटर।
इसके बाद आपको सिंपल एंटर एंटर करके सेव कर देना है। इसमें कोई भी डिटेल आपको अभी फिल नहीं करनी है। अगर आप फिल करना चाहें उसकी फर्दर डिटेल्स तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सिंपल कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना होगा। यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट का, और यहाँ पर आप इसे डाल देंगे सेल्स अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर करके आपको इसको सेव कर देना है। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर आप गुड्स रखेंगे और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ आइटम्स का, तो आप यहाँ पर आइटम्स की डिटेल डालेंगे। इसकी डिटेल डालने के लिए हम यहाँ पर भी ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी करने के बाद अपने आइटम्स की आप नाम ले लीजिए। तो हमारे पास जो आइटम्स है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला आइटम है वो है ऑयल, तो हम यहाँ पर ऑयल को कॉपी करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको टाइप भी कर सकते हैं। हमने ऑयल को कॉपी कर लिया। ऑयल को कॉपी करने के बाद आप नीचे आ जाइए। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। हम सिंपल इसे एंटर करके सेव करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आपका अंडर ऑफ यानी ऑयल आखिर है क्या चीज़, तो हम यहाँ पर इसे ऑल्ट सी करेंगे। यहाँ पर आपको एक और अंडर ऑफ ग्रुप तैयार करना होगा, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी लेने के बाद आपको सिंपल इसे अंडर ऑफ प्राइमरी दे देना है। यहाँ पर आपको अभी जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल नहीं करनी, सिंपल आपको एंटर करके सेव कर देना है। जीएसटी वगैरह जो भी लगा होता है वो ग्रॉसरी आइटम्स पे पहले से ही लगा होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल इसे एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने यूनिट्स का एक ऑप्शन है, यानी आपका ये जो ऑयल है वो किस यूनिट्स के अंदर आपको मिलता है। तो यहाँ पर भी आप ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप इसका यूनिट तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो तैयार कर लेते हैं KLR यानी किलो लीटर के अंदर। और यहाँ पर आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपको ले लेना है किलो लीटर। और उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी आप डेसिमल प्लेस में कितने नंबर्स रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ रखेंगे 3। 3 इस वजह से यहाँ पर रखेंगे कि जब भी हम कोई आइटम परचेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी गुड्स परचेस किया, तो वो मान लीजिए आपने 1 लीटर 500 ग्राम्स समथिंग परचेस किया, तो जो 500 होता है वो डेसिमल प्लेस के बाद की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर अगर आप 3 डिजिट रखेंगे तो आपका वो डेसिमल वैल्यू यहाँ पर शो करेगा, वरना वो उसको राउंडअप ले लेगा और राउंडअप में आपका सिर्फ 1 kg या 2 kg ही शो करेगा। अगर आप 1.5 लीटर डालते हैं, 1.5 लीटर डालते हैं, तो उसको डायरेक्टली वो 2 kg शो करेगा, यानी 2 लीटर शो करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर राउंडअप फिगर जो रखेंगे, डेसिमल प्लेस रखेंगे, वो 3 रखेंगे। कि हमारा अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा आइटम है जो 5 किलो 500 ग्राम है, 5 किलो 250 ग्राम है, तो यहाँ पर 5 किलो 250 ग्राम आपका आइटम शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस 3 रखेंगे और एंटर करके इसे सेव कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल एंटर करना है और एंटर करके आपको बाहर आ जाना है। यहाँ पर भी आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, सिंपल एंटर करके इसको सेव कर देना है। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें, उसकी फर्दर डिटेल्स अगर ऐड करना चाहें आइटम्स की, तो ऐड कर सकते हैं। हम सिंपल इसको एंटर करके सेव कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट 1 KLR शो कर रहा है, तो हमें जो भी क्वांटिटी लेनी है बैकस्पेस दबा करके एक बार यहाँ पर अपनी क्वांटिटी टाइप करनी होगी। तो यहाँ पर अपनी क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी हमारी है कितनी। तो यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी देख लेते हैं, हम क्वांटिटी कितनी परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो ऑयल है वो 5 KLR है। तो यहाँ पर हम वापस अपनी टैली प्राइम में जाएंगे और यहाँ पर दे देते हैं 5, एंटर प्रेस करेंगे तो 5 KLR वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसका रेट क्या है, तो यहाँ पर रेट देख लेते हैं। तो इसका जो रेट है वो 70 रुपये पर KLR है, यानी किलोलीटर है। तो हम यहाँ पर 70 रुपये दे देते हैं इसका प्राइस, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ये डायरेक्टली हमारा नीचे की तरफ आ गया। तो आपको एक बार बैक स्पेस फिर से यूज करना है डिस्काउंट के लिए, और डिस्काउंट हम दे देते हैं इसके ऊपर। डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट 1% है। तो यहाँ पर हम जा करके 1 टाइप कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे हमारा एक आइटम तैयार हो चुका है। अब हमें दूसरा आइटम तैयार करना है, तो इसके लिए आप क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर भी ऑल्ट सी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद दूसरा आइटम हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा आइटम जो है हमारा वीट है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर वीट को टाइप कर लेते हैं या पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप इसको अंडर ऑफ किसके रखेंगे, तो ये भी हमारा एक ग्रॉसरी आइटम है, तो इसके अंदर रखेंगे। इसका जो यूनिट है वो हमें मिलता है किलो के अंदर, तो हम यहाँ पर चले जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, एक नया यूनिट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम ले लेते हैं KGS यानी किलोग्राम्स, और यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म दे देते हैं किलोग्राम्स। और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप के दबा दीजिए तो आपका यहाँ किलोग्राम शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे KGS के अंदर डाल करके यहाँ पर इसका जो डेसिमल प्लेस है इसको भी आप 3 रखेंगे और एंटर करके इसको भी सेव कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर वीट का भी बन चुका है, इसको भी हम कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं।
यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी हम इसको सिंपल एंटर करके सेव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी क्वांटिटी आ गई, बाय डिफॉल्ट 1 kgs, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी चेंज करनी है। तो हम यहाँ पहले क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वांटिटी कितनी है हमारी 50 kgs है, तो यहाँ पर हम जाकर के सीधे 50 kgs डाल देते हैं और एंटर प्रेस करेंगे। इसका जो प्राइस है वो कितना है, तो इसका जो प्राइस है हमारा वो 20 rupees पर kg है। तो यहाँ पर हम वापस टैली के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर प्राइस दे देते हैं 20 per kgs, और डिस्काउंट कितना है, तो बैकस्पेस दबा करके वापस इसके अंदर डिस्काउंट हम लोग फिल कर देते हैं। तो इसके ऊपर डिस्काउंट 3% का है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 3%। और इसके बाद जो नया आइटम है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा आइटम है वो है शुगर, तो यहाँ पर हम शुगर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं। और शुगर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और एंटर प्रेस करने के बाद अब शुगर क्या है, तो ग्रोसरी आइटम है, ये मिलता किस में है, तो ये हमें मिलता है केजीएस के अंदर यानी किलोग्राम्स के अंदर। और उसके बाद भी आपको सिंपल एंटर एंटर करके यहाँ पर सेव कर देना है। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इसकी क्वांटिटी डालनी है, तो इसकी क्वांटिटी है कितनी, तो 4.550 ग्राम है। यहाँ डाल दीजिए 4.550, यानी 4 kg 550 ग्राम हो गया हमारा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा 3 नंबर डेसिमल प्लेस है वो शो अप हो रहा है हमारा, तो ये इंपॉर्टेंस है, ये आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपना रेट देना है, इसका रेट एक्चुअल में है क्या, तो रेट देने के लिए आप चले जाइए वापस अपने शीट के ऊपर और यहाँ पर देखिए इसका रेट कितना है, तो 32 रुपये पर kg और 2% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 32 रुपये पर kg और यहाँ पर दे देते हैं उसका डिस्काउंट, जो डिस्काउंट था हमारा वो 2% था, तो यहाँ पर हम 2% ले लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद एक नया आइटम फिर से क्रिएट कर लेते हैं, और नया आइटम हमारा क्या है, तो नया आइटम है हमारा राइस। तो राइस को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस अपनी टैली के अंदर जाएंगे, यहाँ पे राइस को पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसको भी हम प्राइमरी के अंदर डालेंगे, यहाँ से ग्रोसरी के अंदर डालेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे केजीएस। और यहाँ पर भी आपको सिंपल एंटर एंटर करके सेव करा देना है, डिस्क्रिप्शन पे एंटर प्रेस करना है इसका। तो यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी दे देनी है, तो क्वांटिटी देने के लिए वापस बैकस्पेस दबाएंगे और क्वांटिटी देख लेते हैं कितनी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी है हमारी 50 kg 500 ग्राम है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 50.500 ग्राम्स। और उसके बाद इसका जो प्राइस है वो कितना था, तो इसका प्राइस था 100 rupees per kg। इस पर एंटर प्रेस करेंगे और बैकस्पेस करके यहाँ पर इसका डिस्काउंट हम लोग दे देते हैं, तो इसका डिस्काउंट है 3%, तो यहाँ पर हम 3 डाल देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हमारे आइटम्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आइटम्स के ऐड होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्वांटिटी आ गई हमारी, यहाँ पर हमारा प्राइस आ गया, यहाँ पर इसके ऊपर कितना कितना डिस्काउंट है वो आ गया, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट करके उसने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। टोटल अमाउंट हमारा जो आया है वो 6357.69 rupees आया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक राउंडअप का भी यूज़ करेंगे, तो राउंडअप एक्चुअल में काम क्या करेगा, राउंडअप करेगा ये जो हमारी जो वैल्यू है यानी 6357.69 rupees है, तो ये जो पॉइंट के बाद 69 है यानी पॉइंट के बाद 50 पैसे से ऊपर अगर या 50 पैसे के बराबर कोई भी वैल्यू होती है तो हम उसको 1 rupee काउंट करते हैं, तो उसी को यहाँ पर ये क्या करेगा, राउंडअप कर देगा। तो यहाँ पर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, यहाँ एक लेजर पर क्रिएट करना है राउंडअप का, इसको डाल देना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है इनवॉइस राउंडिंग, और यहाँ पर आपका जो राउंडिंग मेथड होगा वो नॉर्मल राउंडिंग होगा, और यहाँ पर राउंडिंग लिमिट जो होगी वो 1 होगी, और आपको यहाँ पर सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। अब आप देखेंगे आपका जो राउंडअप था वो 0.31 पैसा इसने ले लिया, यानी यहाँ पर जो आपका 6357 रुपये शो कर रहा था इसको 6358 इसने कर दिया, और यहाँ पर राउंडअप में 0.31 पैसा ले लिया। अब आप देखेंगे इस इनवॉइस के हिसाब से जो हमने ये गुड्स परचेज किया है, यहाँ पर जो हमारे पास एक कंडीशन थी कि अगर आप 5000 का गुड्स परचेज करते हैं तो 500 रुपये का अलग से आपको डिस्काउंट पूरे आइटम के ऊपर दिया जाएगा, पूरे प्राइस के ऊपर दिया जाएगा। तो चलिए हम इसको भी यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डिस्काउंट और मिल रहा है तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, आप एक लेजर और क्रिएट करेंगे आप ऑल्ट सी करके, किस चीज़ का, डिस्काउंट का। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं और इसको डाल देंगे इंटरनेट एक्सपेंस के अंदर, और इसको आपको सिंपल एंटर एंटर करके सेव करा देना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट आपका रेट के ऊपर पहुंच जाएगा, आपको यहाँ पर रेट के अंदर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सिंपल एंटर करना है। और यहाँ अमाउंट के ऊपर यानी ये जो टोटल अमाउंट है इसके ऊपर हमें 500 रुपये का डिस्काउंट देना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज करना होगा -500 और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका 500 रुपये यहाँ पर लेस हो गया, यानी आपका जो अमाउंट बना वो 5858 रुपये बन गया, 500 रुपये आपका यहाँ पर लेस हो गया। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो मेथड्स हैं वो काफ़ी सारे मेथड हैं बिल को पे करने का। तो सबसे पहला जो मेथड है आप देखेंगे गिफ्ट वाउचर है, अगर ये चीज़ें आपके सामने शो अप ना हो तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है सिंगल मोड पेमेंट का और मल्टी मोड पेमेंट का। जब हमें सिंगल मोड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सिर्फ एक मोड पेमेंट आएगा कैश का, और अगर आप मल्टी मोड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने
काफ़ी सारे ऑप्शन दे देगा पेमेंट करने का। तो हम मल्टी मोड का पेमेंट यूज़ करके इसकी पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहला गिफ्ट वाउचर है। गिफ्ट वाउचर जैसे कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से हमें कोई वाउचर्स मिलता है जिसमें हमें कुछ परसेंटेज की छूट होती है, कुछ अमाउंट्स की छूट होती है। तो हम यहाँ पर उस गिफ्ट वाउचर का मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ कि आप गिफ्ट वाउचर का कैसे इस बिल के अंदर यूज़ कर पाएंगे। तो इसके अंदर आपको ऑल्ट सी प्रेस करना है, एक लेजर क्रिएट करना है। मान लो हम अमेजोन का एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं और इसको अंडर ऑफ डाल दे रहे हैं सैंडी डेबिटर के, कि ये मिला किसको है, सैंडी डेबिटर को मिला हुआ है। और कंट्रोल ये करके आप इसे सेव कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर जो गिफ्ट वाउचर है वो आपको कितना मिला है। तो हम दे देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हमें 300 का गिफ्ट वाउचर मिला है। एंटरप्रेस करेंगे। एंटरप्रेस करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका मोड ऑफ पेमेंट है वो आपसे बोल रहा है क्रेडिट डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहें बाकी का अमाउंट, तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं SBI बैंक का, या जिस भी बैंक का आपका कार्ड हो उसका लेजर क्रिएट कर लीजिए। एंटरप्रेस करिए और इसे डाल दीजिए आप बैंक अकाउंट के अंदर। बैंक अकाउंट के अंदर डालने के बाद आपको पूरी बैंक की फर्दर डिटेल्स फिल करनी होगी। हम सिंपल इसे कंट्रोल ए करके फिलहाल अभी सेव कर दे रहे हैं। आपको पूरी डिटेल फिल कर लेनी है। आप देखेंगे आपका 300 इस पूरे अमाउंट से माइनस होकर के बाकी अमाउंट यहाँ पर शो अप हो गया, यानी 5,558 रुपये आपका यहाँ पर शो हो गया। तो आप अपने कार्ड से कितनी पेमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं कार्ड से 5,000 की पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी जो अमाउंट है वो मैं कैश पे करूँगा। तो यहाँ पर दे देता हूँ मैं 5,000 और एंटरप्रेस करूँगा। यहाँ पर आपको अपने कार्ड का नंबर देना होगा। तो जब भी आप कार्ड को स्वाइप करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप नंबर ले लेगा। तो हम यहाँ पर नंबर टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर नंबर टाइप कर लिया, रैंडमली कोई भी नंबर टाइप कर दिया। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक ले सकते हैं। तो बाकी जो अमाउंट है वो हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो आपका मेथड क्या है पेमेंट का, तो यहाँ पर आप रखेंगे कैश। कैश रखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद बाकी अमाउंट यहाँ देखिए आपका शो हो गया, 558 रुपये आपको कैश देना है। तो हमारे पास मान लीजिए 558 रुपये, 500 रुपये तो है मगर 58 रुपये चेंज नहीं है। तो हम इसको दे देते हैं 600 रुपये टोटल, 600 की पेमेंट करते हैं उसको। बाकी जो 42 रुपये होंगे वो शॉपकीपर हमें रिटर्न कर देगा, यानी कि जो 42 रुपये होंगे वो हमें वापस मिल जाएंगे। अब इसको आपको नरेशन अगर देनी है तो यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं और आपको सिंपल एंटर करके इसको सेव कर देना है। जब आप इसे एंटर करेंगे सेव करने के लिए, तो आप देखेंगे जो हमने वहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन को अनेबल किया था, यस करा था आपके सामने, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये सेव होने से पहले आपके सामने प्रिंट का एक ऑप्शन दे देगा। डायरेक्टली अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपका बिल जो भी होगा वो प्रिंट इनवॉइस पे प्रिंट हो जाएगा। हम पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू देखने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर प्रीव्यू आ गया। आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt-Z। Alt-Z प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके जितने भी आइटम्स थे वो यहाँ पर शो अप हो गए। आपकी क्वांटिटी यहाँ पर शो हो गई, आपका रेट यहाँ पर शो हो गया, डिस्काउंट के साथ यहाँ पर आप देखेंगे किस आइटम पे कितना कितना डिस्काउंट मिला है आपको, वो भी यहाँ पर शो हो गया। टोटल अमाउंट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट हो गया। राउंडअप भी आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद जो हमने डिस्काउंट दिया था 500 का वो भी यहाँ पर देखिए माइनस हो गया। और आपने किस किस मेथड से पेमेंट करी है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। गिफ्ट वाउचर हमने 300 का यूज़ किया था, 5,000 हमने क्रेडिट डेबिट कार्ड से यूज़ किया था। क्रेडिट डेबिट कार्ड का यहाँ पर नंबर भी देखिए शो अप हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका बाकी जो अमाउंट था वो आपने कैश के थ्रू 600 पे किया है, जिसमें 42 रुपये उसने आपको रिटर्न कर दिया है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर शो अप हो गया हमारा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी डिक्लेरेशन जो यहाँ पर थी वो आपके सामने शो हो रही है। मैसेज के अंदर शो किया था थैंक्स फॉर परचेज एंड विजिट अगेन। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल स्टोर, यानी ये जो आपका एक्सेल स्टोर है ये हमने लिखा था ऑल टाइटल्स के अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी शो हो गया हमारा। तो ये थी हमारी पोस्ट इनवॉइसिंग, यानी पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस। आप पॉइंट ऑफ सेल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।